अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। तो आज आप जैसा कि व्लॉग में देख रहे हैं, आज ईद की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई हैं, साथ साथ रमज़ान भी चल रहा है माशाल्लाह से। और अब जो मैं आज खाने में क्या बना रही हूँ, मैंने आपको दिखाया था समोसे फ्राई कर रही हूँ, जो कि मिशेल बहुत शौक़ से खाती है। और आज जो स्पेशल बनने जा रहा है, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और रेसिपी जी क्या है, आज दाल माश और चिकन बनने जा रहा है, जो कि बहुत बहुत इजी और आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, यहाँ पे मैंने प्याज एक अदर छोटा लिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, और उसको मैं हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँ एक अदर ये कटा हुआ टमाटर और ग्रीन चिली, ठीक है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे एक दो मिनट, और उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे लाइट जो है ब्राउन प्याज हो गया है, लाइट ब्राउन प्याज हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी कूटी लाल मिर्च जो है एक चम्मच, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। और आधा चम्मच मैं हल्दी का डालूँगी, और इसमें कूटी लाल मिर्ची जाएगी, पाउडर रेड चिली पाउडर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मैं ज़रा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी और डाल दूँगी, क्योंकि आज रेड चिली पाउडर नहीं डाली। इसको अच्छे से हिलाऊंगी, और एक चम्मच इसमें जाएगा नमक का। मसाले की अच्छे से बनाई होगी, और फिर से इसमें मैं जो डालती हूँ दाल, बहुत मज़े की बनती है, शान का चार गोश मसाला, ठीक है, चार गोश मसाला, ये भी मैं आधा चम्मच डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, आधा चम्मच। सिर्फ टेस्ट के लिए डाल दूंगी, ठीक है। और इसके बाद साथ ही मैं डाल दूंगी चिकन, चिकन यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा है, इसको इसमें ऐड कर लेंगे, और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे चिकन की। और फिर जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, फिर हम साथ ही इसमें डाल देंगे दाल। इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी मैं भुनाई करूँगी, कि चिकन की स्मेल और कच्चापन दूर होता है थोड़ा सा। और ये दाल है जो कि मैंने भिगो के रखी थी आधा घंटा पहले, इसने सारा पानी पी लिया है, दाल माश है। और जब चिकन आधा पक जाएगा तब ये मैं दाल डालूँगी, क्योंकि जल्दी दाल पक जाती है। और दूसरी बात ये, इसको मैंने पहले से पानी में भिगो के रखा था। दो से चार मिनट मैंने चिकन की बुनाई कर ली है, अब इसमें डाल रही हूँ दाल, ये होती है जी दाल माश, जिनको नहीं पता तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे दाल माश नहीं खाई जाती, इस तरह बना के खाएं तो बहुत ही लजीजा लगती है, और यकीन माने और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसको हम अच्छे से हिला देंगे, हिलाने के बाद इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है, इसको ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा गिलास इसमें, और इसको डांप देंगे अच्छे से।
यहाँ पे दाल तकरीबन रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप। और पानी खुश्क हो गया जो डाला था मैंने। अब इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया, लास्ट में ये जाएगा जब पूरी दाल डन हो जाएगी, ठीक है। इसको धनिया से गार्निश कर दें या जैसे भी आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, ठीक है। और ये है जी हमारी मज़ेदार सी दाल रेडी, चिकन दाल, ठीक है। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला, ये मेरे पास घर का बना हुआ गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला जो होता है वो एक पिंच मैंने तकरीबन डाली, ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें,